गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सब लोग? यार हम यहाँ पे हैं चिला बॉर्डर पे, तो आज का 42nd डे है, तो हमने सोचा आपको एक बार सब चीज़ों का परिचय देते हैं कि आज की कहाँ पे आज खड़ा है आंदोलन और कहाँ पे आगे चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे हमने वो नारा बनाया है कि सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा और पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। सो एजेंडा क्या है मेन, उस पर बात करते हैं। अगर किसी को वीडियो पॉज करनी है, नोट करना है, वो भी कर सकते हो। तो एजेंडे पे जाते हैं, पर बीच में थोड़ा ह्यूमर से स्टार्ट करते हैं अभी। सो भाइयों, नेसेसिटीज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। यहाँ बारिश पड़ती थी रोज, तो भाइयों ने दिल्ली पुलिस के बैरिकेड उठा के बेड बना लिया, ठीक है ना? देख लो भाई जी, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में, शांति सेवा न्याय। सो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड, अब देखो ना बारिश पड़ती, नीचे जूते रख सकते हो। सो भाइयों, जहाँ जहाँ हो ये अच्छी चीज़ है, अगर बारिश में कभी फंसो तुम्हारे बेड गीले हो जाए तो बहुत अच्छा। भाई कैसा नींद आ रही थी कल रात इसमें? बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया नींद आई, सही। तो भाई लंगर, हाँ ये हमारे लंगर वाले भाई हैं सारे, तो इनका मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार कि मदर इज यू नो नेसेसिटीज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। बारिश पड़ रही है, गद्दे बिक रहे हैं, तो ऐसा एक बैरिकेड दिल्ली पुलिस का जहां भी दिखे उसको उठाएं और उसका बेड बनाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद बोला हुआ है कि वो सेवा में है। मैं सुन रहा हूं आपकी बात, ये हमारी सेवा में है भैया, ठीक है ना? और दिल्ली पुलिस वाले जहां पे आके आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करें, वही उनका भी वीडियो बनाए। भैया आपके सोते हुए के फोटो नहीं खींच सकते वो, ठीक है ना? ये सीधा सीधा ब्रीच है। तो यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, तो सुबह चाय जो पी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ गए? अभी मेरे पीछे हो ना? अरे नहीं, डॉक्टर तरुण, अच्छा वो आ रहे हैं, आपको एक बात कराते हैं। जो मेन हमारा मसला है कि जो एजेंडे पे बात करते हैं, पर पहले आपसे बताते हैं मीडिया क्या चाहती है। भैया मीडिया क्या चाहती है किसान के बारे में, लोग क्या सोचे? मीडिया तो किसान का भला ही सोच रही है। देखिए सरकार नहीं चाहती, सरकार ये चाहती है कि मेट्रो स्टेशन पे एक लोगो लगवाया लोगों ने सरकार ने, कि किसान के ऊपर बदन पे कपड़े नहीं पहने हुए है, नीचे की धोती फटी हुई है। 70 सालों से जो किसान का हाल है वो रियलिटी यही है। सरकार ये चाहती है कि किसान गरीब का गरीब बना रहे, कभी भी किसान के बच्चे सूट बूट ना पहने, क्योंकि सूट बूट पहनने का हक सिर्फ पूंजीपतियों को है और नेताओं को है। रियलिटी ये है कि भैया कब तक ऐसा छलावा चलेगा, कब तक आप ये हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करते रहोगे? अब समय है, अब किसान पहली बार ऐसा हुआ है, 70 सालों में पहली बार ऐसा है कि किसान ने अब ठान लिया है कि सारे किसान इकट्ठे होकर के लाल किले पर राष्ट्रपति जी जो 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं उनके परेड में हम भी शामिल होंगे। तो भैया ये कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% भारत के अंदर किसान ही किसान है। अगर हम लोग ये चाहते तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप लोगों ने ये काले कानून जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिए, हमें ये काले कानून पसंद नहीं है, तो काय को हमारे पास जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। और अब ये लड़ाई ऐसे खत्म होने वाली नहीं है, इन्हें ये लगता हो कि अगर ये अब ये काले कानून खत्म कर देंगे उसके बाद भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेन मुद्दा है MSP की गारंटी का, मेन मुद्दा MSP की गारंटी का है। 67 साल पहले, 70 साल हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने भी बताया था कि 67 साल पहले 74 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं, हाँ गेहूं जो था 74 रुपए क्विंटल बिकता था, और सैलरी जो थी 74 रुपीज पर क्विंटल वाज वीट, एंड द सैलरी फॉर अ प्रोफेसर, जो प्रोफेसर की सैलरी थी, प्रोफेसर की सैलरी भी 70 रुपीज, तो आज के टाइम में प्रोफेसर की सैलरी कितनी है? आज जो प्रोफेसर की सैलरी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास है, और प्राइमरी टीचर की सैलरी लगभग 50 से 55 हजार 70 हजार के आसपास है, ठीक है? लेकिन हमारी जो गेहूं की कीमत है वो आज भी वही रुकी हुई है 1868 रुपए, 1869 रुपीज ओनली। बिल्कुल, दिस इज नॉट फाइन। बिल्कुल, आप ये सोचो उस टाइम जो तीन बोरी गेहूं लेके चले जाओ, 3 क्विंटल गेहूं लेके अगर चले जाते थे तो आपको 1 तोले सोना आता था, गोल्ड, 1 तोले, तोले का मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम गोल्ड, समथिंग 3 गेहूं जो भी है। आज तोला 1 तोला सोना कितने का है? आज 1 तोले सोना 50,000-60,000 रुपए का है। ओके, ठीक है, तो अब ये कब तक, ये आसमान तक कब तक चलती रहेगी? आज हम अगर मांग कर रहे हैं 2005 में जो रेट था आपके धान का रेट था 3500 से, अगर आप सरकारी सबसे बड़ी बात ये सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, इनके क्रय केंद्रों पे जो खरीदारी हो रही है, इनके क्रय केंद्रों पे खरीदारी हो रही है, इतना किसान को परेशान कर देते हैं, क्योंकि जो किसान है 70% किसान गरीब तबके का है। अब उस बंदे को इतना परेशान किया जाता है कि आपके धान का साइज अच्छा नहीं है, आपका धान गीला है, आपका धान सूखा नहीं है,
इतना परेशान कर देते हैं कि थक हार के उसको धान बिचौलियों को बेचना पड़ता है, जो आढ़तियाँ हैं, दलाल हैं, उन लोगों को बेचना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसको इतना परेशान कर देते हैं सरकारी केंद्र वाले कि 8 दिन बाद आपका नंबर आएगा, 10 दिन बाद नंबर आएगा। भैया गरीब किसान है, उसको अपने बच्चे की पढ़ाई इसी से करानी है, ऐसे करते हैं, एजेंडे पे रहते हैं। चलो थैंक यू सो मच, आपसे और बात करेंगे, पर जो मेन आज वीडियो का एजेंडा है उस पर रहते हैं कि बार बार ये सामने आ रहा है कि देखो हमारे एजेंडे में 2 पॉइंट्स हैं, MSP और काले कानून वापस करवाना। सोचा जाए कि ज़्यादा वेटेज किसकी है, किसान को ज़्यादा फायदा। अगर सोचें इस तरीके से कि सरकार बोले कि भैया आपको दोनों में से एक चीज़ मिलेगी तो कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, ऐसा है नहीं, हमें तो दोनों चाहिए, बट वैसे ही मैं आपको एक प्रस्पेक्टिव बनाने के लिए हेल्प करता हूँ। तो जो तीनों कानून है, ठीक है ना, अभी APMC मंडी वाला कानून है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वाला जो कानून है, और असेंशियल कमोडिटी वाला कानून है, अगर ये तीनों कानून रद्द हो जाते हैं उससे ज़्यादा फायदा काले कानूनों को रद्द करवाने से किसान को उतना फायदा नहीं है, किसान की हालत तो वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। ज़्यादा फायदा जन को है, देश की जनता को, क्योंकि जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में खाने की कीमतें बढ़नी थी, कुछ पूंजीवती प्राइस मेकर बन जाते खाने का, मोनोपोली बना लेते मार्केट में, ठीक है ना, अगर कोई आपदा आती, नेशनल सिक्योरिटी मतलब कि अगर कर्क अर्थक्वेक आता तो FCI खत्म हो चुकी होती, तो हम उनको ट्रक नहीं भेज पाते अनाज के, या कल को कोई जंग लगती, तो ज़्यादा नुकसान बेसिकली तीनों कानूनों से जनता को है। किसान को नुकसान है, पर किसान को MSP ना मिलने से ज़्यादा नुकसान है। अब ध्यान से समझे इस बात को कि अगर हमें MSP मिल जाएगी, अगर MSP मिल गई तो FCI जिंदा हो गया एक टाइप से, क्योंकि देखा जाए जो MSP मिलती है जब तुम्हें फसल पे, तो तुम चाहे APMC में बेचो चाहे उसमें बेचो प्राइवेट मंडी में जाके, तुम दोनों में कहीं पे भी बेचो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारा भुगतान होगा, रिटर्न कानून बन जाएगा, तो इससे FCI का जो कर्जा है वो भी उतना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली किसानों को ज़्यादा फायदा MSP लेने में है, और MSP को अर्जुन की तरह जो आँख है ना मछली की, वो MSP है। अब सरकार है, जो मेरा अंदाज़ा है, बाकी कोई वीडियो में ऐड भी कर लें किसी को, मेरा अंदाज़ा है कि 26 जनवरी तक सरकार ये काले कानून वापस ले लेगी, मेरे को ऐसा लगता है, पर MSP नहीं दे पाएगी, और प्रोपेगेंडा करेगी मीडिया में कि देखो हमने काले कानून वापस ले लिए, किसान जो है वो नार्किस्ट है, अभी भी सड़कों पे बैठा है, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा करना है, नैरेटिव बिल्ड करना है। आप ये सोचो जो MSP है, अगर MSP मिल गया तो पहला कानून तो अपने आप ही रद्द हो गया। अगर 2 मिनट के लिए सोच के देखें कि MSP तुम्हें मिल गया, जो पहला कानून है, आप APMC बेचें प्राइवेट में बेचें, आपको 100% भुगतान होगा, जो भी आपके पैसे हैं वो मिलेंगे, वरना ब्याज पे होगा, रिटर्न कानून बन गया, अगर कोई भागेगा उसको जेल होगी, ठीक है ना। तो पहला कानून तो रद्द हो गया, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला है जो भी है वो वैसे ही सरकार देने को तैयार है। जो तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें भी जो लोग हैं, जो गाँव में किसान हैं, वो अपने सपोज उनके 100 क्विंटल कनक हुई, वो 100 में से 90 बेच दिया करेंगे, 10 रख लिया करेंगे, जो 10 रख लिया करेंगे वो आपस में बांट लिया करेंगे, कोई मक्का बांट लिया करेगा, कोई बेर बांट लिया करेगा, कोई कुछ एप्पल उपल जो भी हो, तो कहने का मतलब उसमें भी ये खाना खा पाएंगे, पर देश का आम जनता नहीं खा पाएगी। तो तीनों काले कानूनों का ज़्यादा नुकसान देश की जनता को है, तो देश की जनता के लिए किसान लड़ रहा है बेसिकली, पर किसान को ज़्यादा फायदा होना है MSP में, तो अपने को बिल्कुल फोकस रहना है MSP पे, और MSP पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, रिटर्न कानून मिलेगा ही मिलेगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप देखें काले कानून वापस ले लेंगे 26 जनवरी के आसपास, और बोलेंगे भाई वापस चले जाओ। हो सकता है ये ऐसा प्रोपेगेंडा बिल्ड कर दें कि काले कानून वापस ले लिए और किसान वापस घर नहीं जा रहा, अब इस पे लाठी मारने का भी अपने को मिल गया, जो भी है सुप्रीम कोर्ट, बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हो सकते हैं, जेल भरा आंदोलन भी शुरू हो सकता है। MSP लेने में सरकार का जो कितने बड़े नुकसान है, 4 लाख करोड़ के घाटे में FCI, ठीक है ना, उसको जिंदा करना पड़ेगा, तो 4 लाख करोड़ का सीधा नुकसान, उसके बाद 12 लाख करोड़ सरकार को हर साल देने पड़ेंगे MSP के लिए, तो 16 लाख करोड़ का सरकार का पहले साल का नुकसान है। तो MSP तो दे ही नहीं सकते, ये MSP का कानून देने में इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये कानून ये देंगे नहीं, इसके लिए संघर्ष होगा लंबा, तो वो संघर्ष करना है, अभी वो चलेगा 6-7 महीने भी चल सकता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो 26 जनवरी को नहीं खत्म होगा, 26 जनवरी तक ये काले कानून वापस लेने की उम्मीद है मुझे। सो इस चीज़ पे फोकस रहना है अपने को, और अभी आपको बताते हैं किसानों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, एक मिनट डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, तो अभी आपको असली कहानी बताते हैं। यहाँ पे ये भारतीय किसान यूनियन भानु है,
जो भानु ग्रुप है, तो ये कभी सब एक साथ हुआ करते थे। तो ये भानु प्रताप जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके, ये उनका बड़े बेटे थे ओम प्रताप सिंह जी, ठीक है ना। और अभी ये इनका लोगो है। और ऐसे आपको किसान यूनियनों के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि किसान यूनियन की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन है सारे, कोई भानु ग्रुप है, कोई राज्यवाल ग्रुप है, कोई चडूनी साहब है, कोई कुछ है, तो सबके हैं सारे भारतीय किसान यूनियन। तो अब आपको बताते हैं, अब डिस्कशन है जो मेंटल हेल्थ पे है। इन भाई साहब ने बेसिकली जो ओम प्रताप जी थे, इन्होंने आलू की खेती करी 2017 में, राइट 2016 में, और उस टाइम पे उसके बाद 2018 में वो आया नोटबंदी 2018 में आया, तो 24 जनवरी को इन्होंने किया बेसिकली। तो अब देखें इनकी 2016 में फसल खराब हो गई, फसल नहीं खराब हुई, भाव नहीं मिले, 2 रुपए कुछ आलू बिका किलो, आलू सारा आलू फेंकना पड़ा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो उनके यहाँ पे लगभग 60 से 65 घोड़ियाँ रहा करती थी, ठीक है, और लगभग 30 से 35 भैंसें थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी, अच्छी खासी। लेकिन हमारे ये जो हमारे ओमबी दादा हैं, ओम प्रताप सिंह जी, जो हमारे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा लाओ हम आलू की खेती करके देख लेते हैं और इससे हमें लाभ होगा, तो हो सकता है थोड़ा पैसा वैसा भी बढ़ जाए हम लोगों के पास। तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो हमारा गांव पड़ता है मलिया, हमारे जो राष्ट्रीय जी का गांव पड़ता है, एक बार आपको ये बता रहे हैं स्टोरी पकड़े कि एक फार्मर सुसाइड कैसे करता है। एक नॉर्मल फार्मर है, एम्बिशियस है, उसका गोल है, और धीरे धीरे कैसे वो एंग्जाइटी बनेगी, फिर हल्का हल्का डिप्रेशन, फिर क्लिनिकली मेजर डिप्रेशन, और फिर सुसाइड। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आज सोच रहे कल को सुसाइड करना है, कल को कर ले, ये 1-2 साल का प्रोसेस है। उसके ऊपर पूरी आपको कहानी बैकग्राउंड की बताएंगे हम, ये ऐसे बताई नहीं जाती, पर मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ कितनी सीरियस इशू है जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका गाँव पड़ता है सराय, डिस्ट्रिक्ट एटा में लगता है, जिला एटा के अंदर जलेसर में, तो तहसील पड़ती जलेसर। तो ऐसा था, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ओमवीर दादा, ओम प्रताप सिंह ठाकुर, ओम प्रताप सिंह जी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले से हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हाँ, 11 साल से हमारी पुरानी चल रही थी किसान आयोग गठन की मांग, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते चले आ रहे थे। अब दादा ने सोचा कि अब जब हम लोग को भैया ये लड़ाई लड़नी है तो कुछ ना कुछ पैसा बढ़ाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सन 2016 में उन्होंने आलू की खेती करना स्टार्ट कर दिया। हमारे गांव के जो आसपास के किसान हैं, ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, कुछ अमेरिका हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ सेटल हैं, तो उन लोगों की जो खेती थी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि स्वच्छ रही है शुरू से, 40 साल का रिकॉर्ड है, तो उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के बताते हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी के बेटे हैं, तो राष्ट्रीय भानु प्रताप जी की छवि बिल्कुल साफ है, साफ साफ, तो स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए अपनी सरकारी टीचिंग वाली नौकरी, सरकारी टीचर थे अच्छी खासी स्कूल में, किसानों के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि सिर्फ को टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि भैया स्कूल को भी टाइम देना था, अपनी नौकरी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे, तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद दादा ने क्या किया कि खेती सब स्टार्ट करी आलू की, तो लगभग 1200 बीघा उन्होंने आसपास कितने भी खेत थे सब उन्होंने किराए पे लिए और उसमें आलू की खेती करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब खेती में कम से कम लागत आई लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि स्वच्छ सभी थी, पेट्रोल पंप वाले से डीजल ले लिया, खाद वाले से खाद ले ली, और बाकी बीज वाले से बीज ले लिया, मतलब सारा उधार मिल गया, ईमानदार इमेज थी, हाँ, तो लोगों से उधार मिल जाता है, लोगों से उधार मिल गया, हाँ, तो मतलब सारी लागत लगाने के बाद लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास लागत बैठी, और लास्ट में जब आलू बेचने का नंबर आया तो आलू का रेट 1.5 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, तो मतलब आलू मजबूरी में आलू फेंकना पड़ा, सारी पेमेंट जो मिला वो मात्र 10 लाख रुपए मिला और लागत लगी 1.5 करोड़ रुपए की। फिर अगले साल उन्होंने सोचा हो सकता है कि देखो आलू का होता क्या है, जब आलू का किसान आलू की खेती करता है तो आलू का घाटा आलू से ही पूरा होता है, अच्छा, किसी और खेती से पूरा नहीं हो सकता, तो उन्होंने सोचा हो सकता है अगली साल उपज अच्छी होगी हमारी, अगले साल हो सकता है रेट अच्छा हो जाए। उन्होंने 2000 तो मतलब आलू के बीज लगे रहते हैं बीच में और फिर उग जाते हैं अगले साल, नहीं 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 दोबारा से फिर बीज, तो आपने ये बात की बोली कि आलू का घाटा आलू से पूरा होता है, वो एक हमारे कहावत है किसानों में, अच्छा, हाँ, कि आलू का घाटा आलू की खेती सिर्फ आलू से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर हम लोग जब आलू पैदा करते हैं तो जब उसका भाव अच्छा मिलता है तो हम लोग उससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2017 में जब उन्होंने खेती की सेम सिस्टम वही रहा, लास्ट आके 2018 में भी वही सिस्टम रहा, तो वो बहुत जोशीले व्यक्ति थे, मतलब हम लोगों की लड़ाई के लिए हर दिन प्रतिदिन तैयार रहते थे, कहीं भी किसान, कोई भी किसान हो, कोई भी गरीब किसान कहीं भी परेशान हो, अगर उनके पास फोन पहुंच जाता था रात के 12 बजे तो 12 बजे भी पहुंच जाते थे उसकी लड़ाई के लिए। तो मतलब बहुत ही सजग थे। बाकी की जानकारी हमारे सिल भाई साहब देंगे, हाँ, नहीं ये जानकारी हम एक्चुअली स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं एक्चुअली कि मेंटल हेल्थ कैसे शुरू होती है। अब तुम्हारा इतना ईमानदार बाप है, तुम्हारे को एक थॉट आया, मेजर डिप्रेशन जब होता है भैया, एक मिनट के लिए आपको बताता हूँ, जब डिप्रेशन होता है मेजर तो एक साइकिल शुरू हो जाता है। मैंने इस पर काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, क्योंकि एक टाइम पे मेरे को भी ऐसा लग रहा था
कि तुम 14-15 घंटे काम कर रहे हो, यू रनिंग अराउंड थिंग्स, कि तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है। तो एक ख्याल आया कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, इतना लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने इससे उधार ले रखा है इससे, फिर कि मेरे को मेरे लोग मेरे को यू नो कर्जाई समझ रहे हैं, मेरी आलू की खेती मिली, फिर एक थॉट आया कि मतलब हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, जो भी है, फिर और ख्याल, ऐसे ना ख्यालों का एक सर्कल बन जाता है, विशेष सर्कल, वो टूट ही नहीं पाता वो, और धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड एक दिन में करता है, बाकी भैया बताएंगे आपको, 2 साल में इतना डिप्रेशन उनका बढ़ गया कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। सो हम अभी उनका 24 जनवरी को अभी उनका है, तो हम अबेटमेंट टू सुसाइड का केस यूपी सरकार पे डालेंगे, 306 का पर्चा यूपी सरकार पे हम करने वाले हैं यहाँ पे चिला बॉर्डर से। सो ये सरकार का सिस्टम है, बाकी यहाँ पे भैया ये बताएंगे आपको, भैया अपना नाम बता दीजिए और अमूम भैया को आप मिले उनके बारे में आप कुछ बोले। मैं सीलू सिकरवार टूला से तहसील अध्यक्ष, थोड़ा तेज बोले भैया। मैं सीलू सिकरवार टूला से तहसील अध्यक्ष भी हूँ, साथ में ठाकुर भानु प्रताप सिंह का रिश्तेदार भी हूँ। अच्छा जी, जी ऐसा है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। जब मायावती की सरकार थी तो मायावती जी ने हेलीकॉप्टर भेजा था कि आपको हम मंत्री बनाएंगे और आप हमारे बसपा में आके शामिल हो जाओ। तो उनको जो बेईमान राजनेता हैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत है, तो उन्होंने ये कहा था मायावती जी से कि अगर आप हेलीकॉप्टर में मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, उनके जो गार्ड आए थे उनसे कहा कि जबरदस्ती करोगे तो मैं हेलीकॉप्टर में से कूद जाऊंगा, लेकिन बेईमानी की राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि मायावती के ऊपर एक ऐसा शिकंजा कस दिया था इन्होंने किसानों के लिए, उनका भी कुछ गलत सलत से वो कुछ काम कर रही थी मायावती जी, तो उनसे मना किया, नहीं मानी तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्होंने रात में 12 बजे हेलीकॉप्टर सराय जो गांव है ठाकुर भानु प्रताप सिंह का, वहां पे हेलीकॉप्टर भेजा और लालच दिया कि 10 करोड़ रुपया और हेलीकॉप्टर मंत्री का पद स्टेट में आपको दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे ही अखिलेश सरकार में मंत्री का ऑफर आया, मना कर दिया, क्योंकि बेईमानी की राजनीति नहीं करनी, किसानों की सेवा करनी है तो किसानों की सेवा किसानों के बीच रह के रहेगी, ना कि कोई ऐसे राजनेता बन के, क्योंकि राजनेता तो ज्यादातर बेईमानी है, कोई शरीफ तो है नहीं, सारे के सारे बेईमान है। ओम प्रताप भैया जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की, किसानों की 10-10 लाख की भीड़ एक इमलिया प्रदेश कार्यालय बनाया, इमलिया पे वहीं पास में इमलिया गांव है, वहां पे प्रदेश कार्यालय बनाया, उसकी कम से कम 50 बीघा जमीन है वहां पे प्रदेश कार्यालय की, उसी में इतनी भीड़ होती थी कि 2-4 गांव तक भीड़ जाती थी किसान यूनियन की, 2-4 गांव तक, और किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब खुद ने खेती करना स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि किसान परेशान है तो मैं भी खेती करूं, तो उन्होंने 1200 बीघा के लगभग आलू किए थे, और जब आलू में 2 बार घाटा पड़ने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बड़ी बार में ओम भैया अमर रहे। और ये भी 24 तारीख को बताएंगे सरकार को, 306 का पर्चा काटेंगे। अभी जो आपको बता रहा था ना, 2016, 2017, 2018 में जब बार वही दोबारा तिबारा उन्होंने जब खेती की, वही पोजीशन सामने आई। लेकिन हुआ क्या कि समाज इतना बुरा है कि अगर कोई आदमी बढ़ने की कोशिश करता ना तो उसको बढ़ने नहीं देता। लोगों ने यहाँ तक कहना चालू कर दिया कि तुमने अपने पापा की बनाई हुई बरसों की बनाई हुई इज्जत खराब कर दी, तुमने बिल्कुल मतलब ये जितने पैसे थे सब पैसे उन्होंने डुबो दिए, इतना पैसा था तुम्हारे पास, क्योंकि जो हमारे पास घोड़ियाँ थी ना उनके पास लगभग 60 से 65 घोड़ियाँ हुआ करती थी, खेत था बहुत कुछ उन्होंने बेच दिया, टोटल बिजनेस स्टार्ट हो गया। और ये भी बताओ कि जब उनकी डेथ हो गई तो भानु प्रताप जी ने 20 दिन तक जो खाना नहीं खाया, 20 दिन तक हमारे वो भी बताओ 20 दिन तक हमारे अष्टित जी उन्होंने बिल्कुल खाना नहीं खाया, उन्होंने इस चक्कर में नहीं खाया कि बोले अब मेरा जवान लड़का चला गया तो मैं जी के क्या करूंगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने सोचा यार जब मेरा बच्चा चला गया तो हो सकता पता नहीं कितने किसानों के साथ ऐसा होता होगा, बिल्कुल कितने मतलब नया कितने किसान मतलब इस टाइप से सुसाइड करते होंगे, इस तरह दिक्कत आती होगी। तो उन्होंने खुद बीड़ा उठाया कि अब कोई भी हमारा या किसान दुखी नहीं रहेगा, अब इस तरीके से कोई अब किसी किसान का बेटा नहीं मरेगा। तो मतलब इतना अत्याचार झेला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और यहाँ लोग ये कुछ बिकाऊ मीडिया है, कुछ लोग हैं ये लोग कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी बिक गए हैं, हमारे राष्ट्रपति जी अगर बिकने वाले होते तो आज अरबपति होते, आज उनके पास सड़क पे सोते हैं इनके साथ यार। भैया वैसे आपको बता दें कि वो बीमार चल रहे हैं, आईसीयू से सीधा यहाँ आए हैं कल, ठीक है ना। तो आदमी को अपने खाने की चिंता नहीं है, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमारे राष्ट्रपति जी बिक गए, इनको सर मानी चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं नहीं मैं आपके साथ हूँ, तभी तो मैं इस बॉर्डर पे सोऊंगा। अभी जिस दिन भैया खत्म हुए थे ओम प्रताप भैया, उस दिन ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जो उनके छोटे भाई हैं
जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शपथ ली थी कि मैं किसानों की समस्याओं का समाधान करूंगा या प्रशासन की गोली से मारा जाऊंगा। वो आज भी प्रशासन को खुला चैलेंज करते हैं कि गोली चलानी है तो सबसे पहले गोली मुझे मारी जाए, लेकिन हम भी उनके तरफ से, भैया की तरफ से ऐसे खड़े हुए हैं कि उनको कुछ नहीं होने देंगे। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एक बेटा खोया है और लाखों की तादाद में बेटा पाए हैं बिल्कुल। और योगी जी आपको बता दें, ये जो लाठियां मारते हो ना, मैं इनके साथ बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे मारो आके लाठी, यहाँ पे बैठे हैं हम, योगेश जी के साथ है। और आपको बता दें, ये जो किसान यूनियन होते हैं ना, ये ऐसे नहीं बन जाते। योगेश प्रताप जी, इनसे भी इंटरव्यू करवाएंगे आपका, बिल्कुल भोले वाले भाई हैं अपने। और ये भानु प्रताप जी हैं, मैं ये बता दूं आपको, ये किसान यूनियन ना ऐसे नहीं बन जाते, जो आपको बार बार बताता हूं मैं। चार चीजें किसान नेताओं की, पहला नॉन रिलीजियस, कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म अन्नदाता, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं, क्योंकि दोनों काम नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं है पॉलिटिकल पद की, चौथा तीसरा है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सरकार से, 100% के 100% हक लेना, और चौथा जिद्दी, हद से ज्यादा जिद्दी, भगत धन्ना जट की तरह जिद्दी कि पत्थर से भगवान निकाल दे। जिस नेता में ये चार गुण नहीं है वो किसान नेता नहीं हो सकता, और भानु प्रताप जी उनमें से एक किसान नेता है। और ऐसे ही आपको और किसान नेताओं से मिलवाएंगे, आज आपको चुडुनी साहब से भी मिलाएंगे। अभी हमारा जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार, हरिद्वार से गंगा जी का पानी आता है, और ये आपका हाथरस होते हुए, जिला हाथरस होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा और फिरोजाबाद के बीच में पहुंचता है। हमारे जिला एटा की कुछ जगह ऐसी है, मतलब कुछ भूमि है जो खारी है, वहाँ पर पानी इतना खारी है कि वहाँ कोई फसल नहीं हो सकती। तो हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले 22 साल का रिकॉर्ड है कि उस बम्बे में जो बम्बा बनाया गया था उसमें पानी नहीं आया बिल्कुल, 22 साल से पानी नहीं आया। मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही बीच में, उसके बाद सपा की सरकार रही, लेकिन कोई भी सरकार ने उस पर पहल नहीं करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी क्या है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने जिद्दी टाइप के हैं कि उन्होंने एक चीज ठान ली तो ठान ली। अभी बीच में इलेक्शन हुआ टूंडला में, यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उस पीरियड में उन्होंने क्या किया कि लाइट परमानेंट 22 से 24 घंटे तक की लाइट कर दी, परमानेंट लाइट चली 1 महीने। और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद लाइट मात्र 5 घंटे 6 घंटे की हो गई। हम लोगों ने क्लियरली बोला प्रशासन को, लिखित में भी बोला कि भैया ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे सिंचाई का टाइम है, हमारे पानी का टाइम है, आप हमें लाइट नहीं दे रहे हो और पानी भी बम्बे में आ नहीं रहा, हम लोग सिंचाई कैसे करेंगे। तो हमने अल्टीमेटम दिया, लगातार 30 घंटे तक हमने जाम किया, 1 से 1.5-2 लाख की पब्लिक इकट्ठी हुई, और लिखित में हमने कहा 15 तारीख का टाइम था, बोले 15 तारीख तक पानी आ जाएगा, लिखित में प्रशासन देने के बाद भी पानी नहीं आया, तब मजबूरी में 30 घंटे हम लोगों ने जाम किया, रोड जाम किया। बिल्कुल। उसके बाद आज 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार जिद्दी है, उन्होंने ठान लिया ना कि अगर ये हमें काम करना है तो करना है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि या तो मैं प्रशासन की गोली से मारा जाऊंगा या किसानों के लिए कुछ ना कुछ करा दूंगा। आज भी उनका रिकॉर्ड है, कभी माला नहीं पहनते वो, लोग अपने स्वागत कराने के लिए बोलते ना कि सब, वो मना कर देते हैं, वो कभी गले में माला नहीं पहनते, बोल देते भैया मैंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जब तक मैं किसानों की हर लड़ाई पूरी नहीं कर लूंगा तब तक मैं कोई माला वाला नहीं डलवाऊंगा गले में, अपना स्वागत नहीं कराते वो। और तो आज पहली उनकी जिंदादिली की वजह से, क्योंकि जो कोई सरकार नहीं करा पाई, आज पहली बार ऐसा हुआ, जिस दिन हम लोग यहाँ आए थे आंदोलन के लिए ना, 29 तारीख को 30 तारीख को हम यहाँ आ गए थे, तो 30 तारीख को नहर में पानी आ गया, आज हमारे बम्बे पानी से भरे हुए चल रहे हैं, वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अपनी बात खत्म करते हैं जल्दी, क्योंकि ना फिर मेरा ऐसा है, जो प्रदेश अध्यक्ष की खूबियां हैं, थोड़ा तेज बोले भैया, प्रदेश अध्यक्ष जी की जो खूबियां हैं वो बहुत अलग है, उनको हर आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल, जो उनके साथ रहता है वही उनकी बातों को, उनके स्वभाव को जानता है कि वो किस तरीके के इंसान है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की समस्याएं किसानों की इतनी बढ़ चुकी हैं, पूरे देश की किसानों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि दिन ब दिन उन्हें इतना दबाव दे के झुकाना चाहते हैं सरकार, कोई सी सरकारें हों, इतना झुकाना चाहते हैं कि जैसे कि ये इनके गुलाम हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेश प्रताप सिंह, उन्होंने सम्मान कराना अपना छोड़ दिया, कोई भी उनका सम्मान माला द्वारा या किसी द्वारा, स्टेज द्वारा, माइक द्वारा कराते हैं तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिस दिन किसानों की समस्याओं का समाधान करा दूंगा उस दिन मैं स्वागत माला उसी दिन पहनूंगा, उससे पहले मैं कोई स्वागत नहीं कराऊंगा कुछ दिन पहले। और जब से उन्होंने कहीं भी आंदोलन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी का अभी तक कोई आंदोलन फेल नहीं गया है, विफल नहीं हुआ, अभी तक कोई आंदोलन विफल नहीं हुआ है। कारण है उसमें, कारण ईमानदारी का है,
वो ईमानदार व्यक्ति है, वो ना किसी को बेईमानी करने देते और ना करते, और योगी सरकार से वो बिल्कुल नहीं दबाएंगे क्योंकि वो बेईमान नहीं है, इन सरकारों की तरह बिल्कुल भी बेईमान नहीं है। जांच करा ले सरकार, कुछ भी करा ले, ठीक है, ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति मिलना पूरी दुनिया के अंदर, मिलना, मैं तो पूरी दुनिया की बात करूंगा, पूरी दुनिया के अंदर मिलना उन जैसा व्यक्ति एक रुपया चवन्नी एक रुपया तक बेईमान नहीं है। इस चीज का आदमी की गाड़ी में जो डीजल पड़ता है ना, वो डीजल भी किस तरीके से पड़ता है वो साथ में रहने वाले जानते हैं, समझे, हमें कोई और नहीं जानते कैसे पड़ता है डीजल। साथ में रहे, एक महीने रह के देख ले तो पूरी स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि इस इंसान की, इस परिवार की क्या स्थिति है। क्योंकि इन्होंने जो त्याग दिया है वो किसानों के लिए दिया है, घर से दो दो चार चार महीने बाहर आंदोलन में रहना, बाहर घूमना, किसानों के संबंध में खेत बेच दी, इनके पास इतनी घोड़ियां थी, सारी घोड़ियां बेच दी, सरकारी नौकरी के टीचर थे वो छोड़ दी केवल किसानों के लिए। अभी भी किसान इतने परेशान हैं, फिर भी जितनी भी सरकारें हैं, अभी मौजूदा सरकार है, कोई आंखों पे जू नहीं रेंग रहा है। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है? केवल अन्नदाता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब। अब दोबारा करेंगे और इसको वीडियो को हम यूट्यूब पे भी आजकल डालेंगे, तो आपको वैसे ही बता दें कि सरकार से बिल्कुल नहीं डरना और पुलिस से बिल्कुल डरना, इनके साथ डील कैसे करना है बताते हैं। भाई साहब दिल्ली पुलिस से, तो देखे ये है उत्तर प्रदेश, सो अगर दिल्ली पुलिस के कोई भाई साहब जबरदस्ती इधर जुरिसडिक्शन में आ जाए और वीडियो बनाने लगे तो उनका साथ के साथ वीडियो बनाओ, प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है। भाई साहब दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पर भाई साहब कोई वीडियो नहीं बना रहे, यहाँ खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे आते हैं आईबी के बंदे, एलआईयू के बंदे, सबका हम वीडियो बनाते हैं, ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है सरकार की, सबका वीडियो बनाओ, सबको पेज पे लो, सबको नंगा करो, वो तुमसे सवाल पूछते हैं आके, और भैया मीठे बन जाते हैं, और भैया कल को क्या करोगे, कल को सड़क कुछ नहीं बताना तुम्हें हमें, ठीक है ना, जो करना हम कर लेंगे, और पुलिस से, आईबी से, एलआईयू से, भैया आप भी किसानों के बच्चे हैं, विनती कर रहे हैं हम, यहाँ जबरदस्ती आके हमारा वीडियो बनाना बंद करें वरना सबको नंगा करेंगे हम, और उत्तर प्रदेश सरकार से तो हम बिल्कुल नहीं डरते भैया, बिल्कुल नहीं डरते, यहाँ बैठे हैं, जब मर्जी आके उठा लेना, और पद यात्रा शुरू करेंगे यूपी की, रास्ते में अकेले ही होंगे, जब मर्जी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मेरे आईबी वाले भाई और मेरे पुलिस वाले भाइयों, अगर आके हमारे यहाँ पे वीडियो बनाया, साथ की साथ हाई कोर्ट में केस जाएगा, और दिल्ली पुलिस को स्पेशली बता रहा हूँ मैं, ये जो क्रॉस करके तुम उत्तर प्रदेश में आ जाते हो ना, वो दिल्ली के सामने, भाई पहले तो बॉर्डर हटाओ, और आपके सारे बैरिकेड हम उठा के बिस्तर बनाने वाले हैं जल्दी, ठीक है ना, ये लगा रखे हैं हमने दिल्ली पुलिस के बैरिकेड अपने बिस्तरों के बाहर, और भी एक एक करके यहीं लगाएंगे, ठीक है ना, हम एक एक करके उठाएंगे और इन पे सोएंगे अगर बारिश आएगी तो, ठीक है ना, कोई नहीं डरता यहाँ पे किसी सरकार से, आईबी भी किसी से भी, हम सच के साथ खड़े हैं, और मरने का डर यहाँ है नहीं किसी को, ठीक है ना। और कहानियां आपको बताते रहेंगे किसान यूनियन लीडरों की, हर रोज सुबह उठते सुन लिया करो एक की, फिर समझ आ जाएगा क्या है, और डरता कोई यहाँ पे किसी के बाप से नहीं है, ठीक है भाई जी, जो करना कर लेना। जय हिंद, जय भारत।